भाई मैं हूँ मोहम्मद आजम। तो आज हम देखने वाले हैं भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट मिल जाती है ZXi CNG के अंदर, क्योंकि भाई स्विफ्ट का जो अभी तक हमने रिव्यू कर रखा वो हमारा नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ कर रखा, बट आज हम कर रहे हैं भाई CNG के साथ में। ZXi के अंदर कंपनी देती है CNG भाई। ZXi जो आता है हमारा टॉप वेरियंट में आता है, ये देखने लिए क्योंकि अलाव देख सकते हैं आप, फ्रंट से प्रोफाइल वगैरह देख सकते हैं। बट भाई यहाँ पे जो कंपनी ने, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है भाई। देखो यहीं पर अगर ZXi हमारा दूसरा होता तो उसमें लाइट जो है आपकी चेंज हो जाती है, बट यहाँ पे कंपनी ने ZXi CNG के अंदर लाइट जो है नॉर्मल सी हमारी दे रखी है। पेट्रोल में ZXi प्लस में लाइट चेंज हो जाती है, ZXi में ये आती है। सॉरी मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़ हो गया। सबसे पहले प्राइस की बात करता हूँ। इस टाइम हम गए अपने मारुति सुजुकी अरीना करके आता है भाई अकांसा, जो हमें पड़ता है मुरादाबाद के अंदर, जो इसका यहाँ पे भाई CNG वाले वेरिएंट का प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगा। जो एक्स शोरूम रहेगा भाई 8,57,000 का हमें इसका एक्स शोरूम पड़ेगा, जो ऑन रोड निकल आएगा 9,70,000 का। अब भाई देखो एक्स शोरूम तो हर कहीं का सेम रहता है, बट जो भी चेंजेस होनी होती है ऑन रोड में हमारी चेंजेस हो जाती है। एक्स शोरूम हमारा स्टेट टू स्टेट सेम रहता है, आप कहीं से भी गाड़ी उठा लो। फीचर्स भाई देखो CNG है, कीलेस एंट्री आपको मिल जा रही है, अलाव मिल जा रहे हैं, बट भाई यहाँ पर आने के बड़े दुख के साथ में ये चीज़ दिखानी पड़ती है मारुति की। भाई देखो ये चीज़ वाइट है भाई, इसमें भी ये चीज़ लगा रखी है। कंपनी भाई इस चीज़ को यहाँ दुबका सकती थी। मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, इसका ग्रे कलर है, इस पर इतना नहीं चमक रहा है, मैं इधर दिखा रहा हूँ। इसका वाइट होता तो ऐसे लगता, बट ये देखो थोड़ा छोटा मिल जा रहा है, बट यहाँ भाई देखो कितना बड़ा सा यहाँ कैप दे रखा है। ब्लैक कलर होता तो ये चीज़ ज़रूर से ढक जाती, बट कलर कौन सा हमारा गाड़ी का ग्रे, तो भाई ग्रे पे देखो अलग ही ये चीज़ चमक रही है। भाई कंपनी जब चीज़ बनाती है भाई, जिधर से हमारा पेट्रोल की नीड होती है भाई कंपनी उधर डाल देती तो थोड़ा बेटर और अच्छा लगने लगता है, बट कंपनी की अपनी सोच है भाई, कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ में। जहाँ कंपनी ने दिमाग चलाया वहाँ चला दिया। अलाव कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिल जा रहा है, अपोलो का इसमें टायर मिल जाता है 185/65 आर 15 इंच का इसमें टायर हमें देखने के लिए मिलता है। ये फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक नॉर्मल से हमें देखने के लिए मिलता है। AVD एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक के भाई सारे फीचर्स हमें जो है गाड़ी के अंदर यहाँ देखने के लिए कंपनी ऑफर कर देती है ओवरऑल। बट भाई देखो ये चीज़ कंपनी वापसी से ला देगी, पूरी डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी जिस दिन फेस लिफ्ट आएगा। कीलेस एंट्री भाई ये मिल जाता है फ्रंट में, जो दिखाता हूँ भाई इसमें आपको नॉर्मल सी लाइट मिल जाती है हेलोजन बल्ब के साथ में। ZXi है तो भी, अगर ZXi प्लस होता तो प्रो सेक्टर मिल जाता आपको वाइट LED वाला, बट यहाँ पे जो है कंपनी पीली वाली दे रखी है। फोग लैम्प जो है भाई वो हमारे लग चुके हैं, क्योंकि ZXi के अंदर फोग लैम्प नहीं आते, एसेसरीज में लगे हैं। अगर भाई ना भी लगते तो आप अभी हमारे अमेजोन में आपको मिल जाएंगे, जिन भाई के पास नहीं हो तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बट भाई ग्रिल कुछ आपको ऐसी देखने नहीं मिलती, इधर प्रोफाइल कुछ ये मिली जाती है। ओवरऑल साइड में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिल जाता है, विद फोल्डेबल मिल जाता है। ZXi है जैसे, उस हिसाब से सारे फीचर्स हमें देखने नहीं मिलते। ये चीज़ मैंने आपको दिखाई दी है। रियर में बढ़ता हूँ भाई, रियर वाइपर मिल जा रहा है, डिफोगर मिल रहा है, हाई स्पीड माउंट यहाँ देखने नहीं मिल रहा है, वाइपर बोसर यहाँ मिल रहा है। एंटीना जो होता है भाई नॉर्मल हमें देखने नहीं मिलता है। CNG का लोगो वगैरह कुछ आपको ऐसा देखने नहीं है, यहाँ पे मिल जाता है कंपनी का। अब भाई जब CNG है तो बूट तो दिखाना बनता ही है ऑब्वियसली। ZXi के अंदर स्पेयर व्हील जो दे दिया हमें JK का दे दिया। प्रोफाइल की बात करूँ भाई कुछ ऐसा सो नहीं हो रही, छोड़ो इस चीज़ को, बट यहाँ पर जो है CNG भाई सिलेंडर, अब देखो ये पार्सल ट्रे से ऊपर रोकूँ मैं पहले, एक सेकेंड दो भाई, हो इसे कहीं फांस देता हूँ मैं, यहाँ फांसता हूँ, कंपनी का काम चलो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। भाई देखो ये सिलेंडर ऐसा कर रखा है, इसकी वायर ये निकल गई हमारी यहाँ से। अब भाई ये चीज़ नोटिस करो, ये जो अंदर वाला पाइप है ये जा रहा है हमारा कहाँ को, इधर अंदर को ऐसे जा रहा है भाई वहाँ से। तो भाई ये चीज़ कंपनी ऐसा घुमा के पलट के रख देती, तो ये चीज़ यहाँ को बढ़ के, ये जो इधर से हमारा पेट्रोल फिलिंग होता है यहाँ पर, भाई ये चीज़ जो है कंपनी की दुपक सकती थी या नहीं, दुपक सकती थी, बट कंपनी ने चीज़ हमारी इधर कर दी, तो चलो अच्छी चीज़ है कंपनी को दिखा दिया। बाकी बूट बंद करने के लिए आपको मिल जाता है, बस ये करना है भद्दे जैसी मारो बूट हमारा बंद। अंदर से दिखाता हूँ मेन चीज़ क्या है भाई, CNG के साथ में फीचर्स इतने मिलते हैं। सीट की बात कर लेता हूँ भाई, यहाँ आपको देख लो इस सीट को आप उठा बैठा सकते हैं, जो भी आपको करना आप यहीं से उठा बैठा सकते हैं, ऐसे ऐसे झुका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक नहीं नॉर्मल से हमें हत्ती से खुंटियों से आप सोचो कि आप उससे करो, लाइट वाइट से भाई लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। अब जैसे इग्निशन बंद है तो देखो मैं सीट को पीछे सरका देता हूँ, ऐसे अपने हिसाब से भाई पहले सेट कर लेते हैं बैठने के लिए, आपको वीडियो में बाद में समझा देंगे। यहाँ बढ़ते हैं, देखो ZXi है, मैंने आप सबको बता ही दिया। आप देखो यहाँ पे लोगो है, ये चीज सेम है, इधर आपको माउंट कंट्रोल है, बट भाई ZXi CNG के अंदर कंपनी ने दिया, क्रूस नहीं दिया भाई, पेट्रोल होती है एक रेंज पे चलती रहती है। CNG का तो आपको पता ही, कंपनी को भरोसा है कि मैं क्रूस नहीं दे रही इस वेरियंट में, क्योंकि भाई CNG ऑटोमेटिक कम डाउन हो जाती है। बट भाई देखो बुराई नहीं है, कभी आप लोग सोचो बुराई है कंपनी के, कंपनी ने पैसे नहीं दिए ना ही तो तारीफ है, नहीं अच्छा ये भाई जो चीज है वो है। अगर आपको क्रूस चाहिए तो भाई पेट्रोल ले लो, जैसा पैसा वैसा माल, सही बात है नहीं।
220 स्पीड मिलती है, 8000 इसमें आरपीएम मिल जाता है। यहाँ लोगो मिलते हैं डी कट में स्टेयरिंग व्हील, भाई स्टेयरिंग जो रहता है हमारा हल्का सॉफ्ट टच के साथ माता, बट स्टेचिंग देखो भाई कंपनी की फिनिश भाई एक नंबर लाजवाब फिनिश करके आती है हमारी। आप यहाँ देख सकते हैं भाई सिनेमेटिक पर दिखा रहा हूँ, आप देखो क्या प्रीमियम नेस रगेड नेस जुड़कर आती है भाई, और इतना रिफाइंड इंजन मिलता है मारुति का, दिल से बोल रहा हूँ। मारुति ने पैसे नहीं दिए कुछ, भाई सोचेंगे मारुति ने पैसे दे दिए, मारुति की हवा बना रहा है भाई, पैसे वैसे नहीं है, दिल से सपोर्ट करो जो चीज है। मानो देखो इंडिया की कंपनी नहीं है फिर भी सही है भाई, जब चीज सही है तो सही बोल रहे हैं अपने, महिंद्रा इंडिया की है कुछ उसमें बुराई होगी तो बुराई करेंगे, टाटा की इंडिया की है टाटा में बुराई होगी तो उसमें बुराई करेंगे। यकीन नहीं आए तो वीडियो जाके देख लो यूट्यूब पर, आप लोगों ने इतना प्यार दिया 1 मिलियन कर दिया उस पर व्यूज, शॉर्ट पड़ा आप देख लेना चैनल पर भाई। ये सॉरी अभी फेस पे भाई फोकस नहीं पड़ा, सॉरी इस चीज की नहीं, बट आपने बात सुन ली वो चीज चलो अच्छी है, बट देखो आप फोकस जो पड़ रहा है भाई। यहाँ बात कर लेता हूँ, इसमें आपको मिल जाती है इतनी बड़ी डिस्प्ले, जैसे मैंने आपको बताया हमारा ZXI वेरिएंट है तो ZXI में कंपनी हमें देती है डिस्प्ले, उसके साथ में नीचे मिलती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, यहाँ पर पूरा डिस्प्ले शो होता है, ये आपको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ आपको फ्रंट की रियर की जो भी आपको एसी वेंट हवा वगैरह चाहिए आप यहीं से देख सकते हैं। और नीचे बढ़ता हूँ, ऑक्स का यूएसबी का सॉकेट मिलता है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है, थोड़ा स्पेस मिलता है, 2 कप होल्डर यहाँ देखने मिल जाते हैं, 5 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है, रिवर्स लगा के 7 गियर वही भाई, 1198 cc 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, 75 bhp वाला 89 Nm का टॉर्क निकाल के देता है हमारी सीएनजी के अंदर, कंपनी सीएनजी के अंदर देती है 89 Nm का टॉर्क, गुस्सा आ जाता है भाई सीएनजी के अंदर 89 Nm का टॉर्क, मध्य टाइम की अल्टो 2005 कम से कम देती है 70 Nm का टॉर्क, ऐसे आती है रॉकेट बन के। यहाँ बात कर लेता हूँ भाई, इंजन स्टार्ट बटन आपको देखने नहीं मिल जाता, फ्यूल की लिड आपको यहीं से आप वो कर सकते हैं कटआउट कर सकते हैं, पेट्रोल पर चलानी है सीएनजी पे चलानी है, ट्रैक्शन जरूर से मिल जा रहा है हमें देखने लिए, लाइट अप डाउन यही मिल जाती है, इंजन स्टार्ट बटन भाई देखो क्रोम के साथ में आता है, अच्छा खासा जलता है, मारुति की पहचान मारुति की शान। यहाँ आपको वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, इधर आप सॉरी यहाँ आपको लाइट के कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ आपको वाइपर के, ये आपको खुंटी मिल जाती है, ट्रिप वगैरह देखनी नहीं, पर भाई प्रीमियम नेस देखो जो स्विफ्ट का ये मीटर चलता है भाई, इतना प्रीमियम एक नंबर मीटर लगता है भाई, व्यू तो बाहर का अच्छा आ रहा है बट कैमरा जो भाई कभी कभी फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरे का थोड़ा। उसी के साथ में भाई यहाँ आपको ट्विटर देखने के लिए जरूर से मिल जाते हैं, साइड में देखो आप यहीं से बंद चालू करते हैं, यहीं से आप एडजस्टेबल जो भी आपको करना है, क्रोम में डोर हैंडल मिल जाते हैं, चारों विंडो पावर, सॉफ्ट टच का मटेरियल इतने पार्ट पे जरूर से यहाँ दिया गया, ग्रे का कॉम्बिनेशन यहाँ दिया गया, उसी के नीचे आपको मिल जाता है भाई स्पीकर्स की जगह। ओवरऑल और बात करूं भाई, इधर आपको ग्लव बॉक्स इतना बड़ा जरूर से मिल जा रहा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं, इस सीट को आगे करके पीछे लेके चलता हूँ, पीछे आपको क्या मिलते हैं उसी के साथ में भाई देखो हेडरूम देख लो गाड़ी में, मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, हर भाई को चीख चीख के मैंने बताया कि मेरी हाइट भाइयों इतनी है देखो 5 फीट 6 इंच देखो ठीक है। अब मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, जैसे मैं डोर खोलता भाई पीछे चलता हूँ भाई, खोलने के लिए हमें ये ऐसा मिल जाता है रियर के लिए, अब जैसे भाई देखो बैठता हूँ सिर वगैरह कुछ अड़ेगा नहीं अड़ेगा, कैमरा आप देख लो भाई बैक कैमरे से शूट कर रहा हूँ कैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, यहाँ आप देख लो पहले मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, हिसाब से भाई स्पेस देखो मुझे काफी मिल पा रहा है, हेडरूम देख लो भाई यहाँ हेडरूम देखो मारुति का अच्छा खासा यहाँ हेडरूम भी मिल पा रहा है, वो इतनी सारी जगह मिल रही है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट उठा हुआ है तो देखो स्पेस से भाई कितनी भी लंबी जर्नी में आराम से कवर कर दूंगा, तो मारुति के लिए लाइक करके जाना, और भी आपकी स्विफ्ट गाड़ी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आगे थोड़े बहुत यहाँ के नहीं अमेजोन के थोड़े लिंक डाल दूंगा, आप ऑर्डर करके ऑनलाइन अपनी कार पे एसेसरीज वगैरह लगा सकते हैं जिस भाई को जो पसंद हो। अब देखो सीट कवर कंपनी ने नहीं दिए तो आप सोचोगे कहाँ से लेने, तो भाई मेरे पास जुगाड़ है, आप अभी मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ आपको मिल जाते हैं क्रोम में डोर हैंडल, ग्रिप हैंडल कुछ ऊपर ऐसे देखने लिए मिलती है भाई, विंडो का अप डाउन मिलता है, स्पीकर जो है हमें जरूर से देखने लिए मिलता है, ऐसा नहीं है कंपनी ने स्पीकर नहीं दिया भाई, स्पीकर जरूर से दिया है यहाँ पे, ये इसके पाने वगैरह फास्ट एड जो भी आपको चाहिए, मारुति की इतनी बड़ी गाइडलाइन के साथ में किताब मिलती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लोगों मिल जाता है, पार्सल ट्रे यहाँ देखने लिए ओवरऑल मिली जाती है, पूरा डैशबोर्ड भाई इतना प्रीमियम सा हमें देखने के लिए मिलता ही है। पीछे से फाइनल लोग आपको गाड़ी के दिखा देता हूँ मारुति के कैसे मिलते हैं स्विफ्ट के, सॉरी बाकी ओवरऑल पूरी प्रोफाइल गाड़ी की कुछ भाई आपको ऐसी देखने के लिए मिली जाती है, ऊपर एंटीना वगैरह मैंने दिखाई दिया, तो भाई यहाँ की क्रोम वगैरह आपको चाहिए तो आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, हेडलाइट भी आप चेंज करा सकते हैं, तो कुछ यही था भाई इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक करके आना, चैनल सब्सक्राइब करना, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।